करने वाला टॉपिक है जो कि हमारी स्किन से रिलेटेड है, यानी फाइन लाइंस, रिंकल्स, एंटी एजिंग, प्री एजिंग से रिलेटेड। यहाँ बिल्कुल थंबनेल से आपको बिल्कुल पता चल गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ DIY एक फेशियल, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग फेशियल है, जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है एक्नी स्कार्स वालों के लिए, जिनके चेहरे पे ओपन आर्च पोजेस हैं उनके लिए, फाइन लाइंस के लिए, रिंकल्स के लिए। अंडा दुनिया भर में एक मकबूल गिजाई हैसियत रखता है, ये तवानाई बख्श गिजा है। अंडा हर बावर्ची खाने में मौजूद होता है। आजकल तो सर्दियां हैं तो नाश्ते में अंडों का इस्तेमाल लाजमी समझा जाता है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल चेहरे को दिलकश बनाने में भी कर सकती हैं। जो ही घर के काम से आपको फुर्सत मिले तो ये फेशियल जरूर ट्राई कीजिएगा। अंडा स्किन को टाइट करता है, फ्रेम करने में मदद करता है। अच्छा जी, ये फेशियल जो है ना मैं एक ही अंडे से करूंगी, और उसके लिए आपने क्या करना है कि एक अंडा ले लेना है, उसको जो है ना हमने तोड़ लेना है, इसकी जो जर्दी होगी उसको हमने अलग कर लेना है, और जो इसका वाइट पार्ट होगा उसको जो है हमने अलग कर लिया है, यानी कि दोनों जो पार्ट्स होंगे वो अंडे के हम अलग अलग कर लेंगे। की इन्ग्रीडियंट होगा हमारा वाइट पार्ट। क्लेंजिंग के लिए जो होता है स्टेप वन आ जाएगा, उसमें हमें चाहिए एक लेमन, जिसको हम आधा यूज करेंगे और आधा हम रख लेंगे। उसका जो है हमें जूस चाहिए होगा, लेमन का जो हाफ लेमन होगा उसका जूस जो होगा क्लेंजिंग के लिए इनफ होगा। अब इसमें हम अपना की इंग्रेडिएंट डालेंगे, यानी कि एक वाइट जो अंडे की सफेदी होती है वो उसमें डालेंगे। एक से डेढ़ स्पून के करीब जो ये सफेदी होगी वो इनफ होगी, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अरके गुलाब। अरके गुलाब जो होता है ना एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के साथ होता है, ये स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना हम अपनी इस क्लींजिंग को तैयार कर लेंगे। ये इस तरह की कुछ लुक लाइक लगेगी। उसके बाद अगर आप चाहें तो उसको आप ब्रश की मदद से अपने चेहरे पे लगा लें। अगर आप अंडा यूज़ करने में थोड़ा सा हिचकिचाती हैं, चाहे हाथ में ना लगे, तो आप ब्रश पे लगा लें, और उसके बाद जो है ना 10 से 15 मिनट के बाद आप अपना चेहरा धो लें। लेकिन अगर आप मेरी तरीके से करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाथ पे ले लें, 5 से 10 मिनट तक इसको जो है ना अच्छे से क्लींजिंग करें, आपकी क्लींजिंग हो जाएगी। स्टेप टू में आ जाता है DIY स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए मैंने 1 स्पून के करीब लिया है चावल का आटा। इसमें हम अपना की इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि है एक वाइट, और उसमें मैं ऐड करूंगी 1 स्पून के करीब जो होता है ड्राई मिल्क। अगर आपके पास वो दूसरा रेगुलर मिल्क है तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। वही सेम प्रोसीजर, अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और ये चम्मच की मदद से ना अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने क्या किया कि इसको जो है ना अपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, और ये बहुत ही खूबसूरत सा कोई पेस्ट बन जाता है। आप इसको जो है ना अपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जो है वो चेहरे पर अप्लाई करें। सेम प्रोसीजर होगा, अगर आप चाहें तो इसको अप्लाई करके रहने दें 10 से 15 मिनट तक, और फिर जो है ना अपने चेहरे को वॉश कर लें। नहीं तो आप चेहरे पर लगाएं, हल्के हल्के हाथों से मसाज करें, और जो है ना आप स्क्रबिंग करते रहें। ये डेड स्किन सेल्स जो भी होंगे आपकी स्किन से रिमूव कर देगा। 10 मिनट तक आपने इसका जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से मसाज करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में और सर्कुलर मोशन में आपने इसका जो है ना मसाज करना है, और उसके बाद इसको वॉश कर लेना है। मैं वहीं पर ही वॉश कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो बाहर जाके भी इसको फेस वॉश की मदद से भी हेल्प कर सकते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो स्टेप है ना ये खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जिनके जो मसाम होते हैं ना वो बंद होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके जो मसाम होंगे ना वो बहुत बंद होंगे, तो आपने क्या करना है, एक वाइट ले लेना है, उसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है, और फिर जहाँ जहाँ आपको आपको जो है ना मसाम है जो कि बंद मसाम है उनके ऊपर जो है ना आपको लगाना है। मेरी स्किन पे ओवरऑल कोई भी मसाम वगैरह नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों की सहूलत के लिए स्टेप बता रही हूँ। आपने उस जगह पर जो है ना ब्रश की मदद से एक वाइट जो है ना वो लगा लेना है, टिश्यू ले लेना है, और उसके ऊपर जो है ना आपने टिश्यू को इस तरह से, जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से आपने रख लेना है, और उसके ऊपर फिर से आपने एक वाइट की एक जो है ना हल्की हल्की लेयर जो है ना आपने लगा लेनी है। बहुत ही आराम आराम से आप जो है अपने गालों तक भी इसको ले जा सकती हैं, अपने माथे पे यानी कि फोरहेड पे भी कर सकती हैं, जहां पे भी आपके जो मसाम बंद हैं आप कर सकती हैं। और फिर अगर ये हल्की पड़ रही है निकलने में तो आप इसके ऊपर एक और टिश्यू लगा दें और उसके ऊपर एक और लेयर लगा दें। अच्छी तरीके से वेट करें, और जब ये सूख जाए तो इसको जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में खींच लें, जितने भी आपके बंद मसाम होंगे वो खुल जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, और स्किन इतनी साफ शफाफ हो जाएगी कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगी। और अगर आप ये चाहें तो ये अलग से भी अमल कर सकती हैं। उसके बाद जो है कॉटन बॉल्स ले लें और उससे जो है अपनी स्किन को जो है ना क्लियर कर लें। और अब आ जाता है स्टेप 3 जो कि है DIY मास्क। मास्क के लिए जो मैंने आपको अंडे की जर्दी अलग से रखने के लिए कही थी, उसमें आपने 1 स्पून के करीब जो है ना मुल्तानी मिट्टी ऐड करनी है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें। पेस्ट अब जो होगा वो थोड़ा सा जो होगा थिक बनेगा। मैंने मुल्तानी मिट्टी जो है घर की इस्तेमाल की है, यानी कि खुद पीस कर इस्तेमाल की है। उसमें आप अरके गुलाब ऑप्शनल है,
अगर आप लगा लेती हैं तो ये सही है। उसके बाद आपने आराम से जो है ना अपने चेहरे पर ये मास्क लगाना है। मास्क लगाने का मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, या तो आप उसको 70% तक लगा रहने दें, ड्राई होने दें, और उसके बाद जो है ना अपना चेहरा वॉश कर ले मसाज के थ्रू। लेकिन मैं जो है मास्क को हमेशा ऐसे ही लगाती हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको आप लगा लें और तब तक लगा लेने लें जब तक ये जो है ना अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। लेकिन मेरे जो हिसाब है कि 70% तक हमें वो खसूसियात मिल जाती है। तो एक वाइट लेकर ये थोड़ा सा ड्राई हो गया था तो मैंने अपने चेहरे पे अच्छे तरीके से जो है ना मसाज कर लिया। ये फेशियल बहुत ज्यादा मुफीद है। और अंडे की जर्दी जो होती है ना स्किन को बहुत ज्यादा प्रोटीन मुहैया करती है, जिससे हमारी स्किन बहुत ज्यादा दिलकश हो जाती है, जवान हो जाती है, टाइट हो जाती है। और उसके बाद जो है ना किसी भी टॉवल की मदद से हल्के हल्के हाथों से आप इसको साफ कर ले। और लास्ट में आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगा ले। मैं यहाँ पे वैसलीन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।